सो वेलकम बैक टू माई चैनल द अंबरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जेंट्स पजामे की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ, वो भी पॉकेट के साथ। दोनों साइडों पे लगेंगी पॉकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक पीस लिया है जिसको पहले करेंगे साइड पे और लेंगे शलवार का माप। तो आप जिस भी साइज़ के बच्चे का बना रहे हैं उसका लेंगे इस तरह से लंबाई का माप, और जितना भी लंबाई में होगा उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, थोड़ी नीचे से बांचों पे सलवटें आ जाएं। इसलिए चौड़ाई का माप लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चौड़ाई हम बहुत कम रखेंगे। म्यानी का माप लेंगे, म्यानी 14 है तो चौड़ाई भी हम 14 ही रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं इस पीस को खोल रही हूँ। इसमें इसको ओपन करके सबसे पहले हम लगाएंगे लंबाई में इस पे निशान। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंबाई यहाँ पे मैंने 3 इंच ज़्यादा रखनी है जितना भी साइज़ है। इसमें शलवार की लंबाई 38 थी और इसमें 3 इंच ज़्यादा करके हम तैयार करेंगे, और इसमें एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन भी रखेंगे ऊपर नेफे के लिए। इस तरह से 1.5 इंच या 2 इंच ऊपर छोड़ देंगे और जितने हमने तैयार करना है उतने पे निशान रख के, यहाँ पे 41 मैंने तैयार करना है, 41 नीचे जो एक्स्ट्रा है वो जाएगा पांचों में। तो इस तरह से मैं यहाँ पे निशान लगा लूँगी। तो 6 इंच मैंने तैयार करना है, 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से। और ये भी बताती चलूँ कि ये जो साइज़ मैं कटिंग कर रही हूँ ये 15 से 16 साल के लड़के का है। इसके बाद हम लगाएंगे लंबाई में निशान, यानी कि म्यानी का ऊपर से नेफे को छोड़ देंगे और 14 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे सिलाई का मार्जिन नहीं रखा मैंने क्योंकि जितना कम हो पजामे में, जितना घेर कम हो उतना अच्छा है। और चौड़ाई में मैंने 15 इंच पे निशान लगाया है, और इस निशान को इस तरह से मिला लेंगे। अगर आप छोटे बच्चों का बना रहे हैं तो आप यहाँ से जो शेप करेंगे वो थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे, या फिर यहाँ पे कपड़ा डालेंगे क्योंकि जब वो पहने तो फटे नहीं, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऊपर मैने वाले निशान को नीचे पांचे वाले निशान से मिला देंगे। नीचे से थोड़ा सा यहाँ पर सीधा रखेंगे और गोलाई की शेप दे देंगे इस तरह से। ये हो गई हमारी, इसकी निशान लगा लिए हमने। अब करेंगे इसकी कटिंग। तो जैसे निशान लगाए थे सेम वैसे ही कटिंग करेंगे क्योंकि हमने इसमें सिलाई का मार्जिन रख लिया हुआ है। ये कटिंग होके इस तरह से इसको ओपन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे शेप बन चुकी है। और अगर आपको चौड़ाई कम लग रही है तो आप इसका घेर ज़्यादा करके, ये म्यानी की जो शेप है इसको डीप कर लेंगे। उसकी वजह ये है कि थोड़े बड़े बच्चों के लिए अगर हम इस तरह से पजामे को बनाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा म्यानी डालने तो बेहतर होता है। अगर उनके फट जाएं तो फिर वो पहनना छोड़ देते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम सिलाई ऐसा करें कि वो फटे नहीं। तो यहाँ पे मैंने अब लगानी है पॉकेट्स। तो मैं पॉकेट्स के लिए यहाँ पर साइड पर इसको कटिंग कर रही हूँ। तो ये जो 4 पीसेस हैं इनको सबको खोल लूँगी इस तरह से, एक साइड को ओपन करके फिर दूसरी साइड को ओपन करेंगे। एक तरफ हाथ रखेंगे और कैंची को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच के तो फिर कटिंग करेंगे, बिल्कुल दरमियान में कटिंग होगी इस तरह से। और ऊपर की तरफ से इस तरह से ओपन करके तो यहाँ पे ये कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग हो चुकी है, अब करेंगे हम पॉकेट्स की कटिंग। तो यहाँ पे जो पॉकेट हम लगाएंगे उसके लिए हमें चाहिए, जो पीस हमने यहाँ से उतारा है ये 4 पीसेस हैं, तो ये हमें चारों ही हमें चाहिए यहाँ पे पॉकेट लगाने के लिए। अब यहाँ पे इसको शेप देंगे। यहाँ पे ऊपर से गुलाई की शेप है तो इसके साथ ही मैं नीचे आपको अलहदा से यहाँ पे बताती हूँ। 14 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और इसकी चौड़ाई में रखूँगी 6 इंच, 6 से थोड़ा सा ज़्यादा किया है मैंने। तो इसको इस तरह से सीधी लाइन लगा के ये पॉकेट की तरह इसको बना लिया है, डिब्बे की तरह बना दिया है। और ये हैं 4 पीस हैं। अब इसकी करेंगे कटिंग। नीचे से मैंने बराबर किया है और साइड से मैं इसकी हाफ कटिंग करी है मैंने और हाफ को छोड़ दिया है। हाफ जो है इसमें इस तरह से इसको गुलाई की शेप देंगे यहाँ से, और यहाँ पे तकरीबन 6 इंच की हमारी ये जो हाथ डालने के लिए पॉकेट का ओपन हिस्सा होगा ये वो होगा। और ये जो शेप दी है इसको इस तरह से कटिंग करेंगे।
और इसको अब लगाएंगे यहाँ पे ऊपर से 3 इंच नीचे की तरफ इसको लगाएंगे और ये पॉकेट यहाँ पे लग के रेडी हो जाएंगी। तो कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब हम आ जाते हैं मशीन पे। जो हमने कटिंग किया था इसको यहाँ पे मैं ओपन कर रही हूँ। इस तरह से इसमें पॉकेट रेडी रखी हैं, इसको निकालेंगे। कटिंग तो हो चुकी थी कंप्लीट, लेकिन फिर भी इसमें एक जगह रहती थी कटिंग करने वाली, तो इसको मैं अब यहाँ पे कर रही हूँ। ऊपर से मैंने नहीं खोला था, तो इसको यहाँ पे ओपन करके अब हम इसके 2 पीसेस लेंगे और इन दोनों को मियाने की सिलाई पहले लगाएंगे। ये इसकी बाई वाली साइड नीट थी, तो इसको मैं टर्न कर रही हूँ, अंदर वाली साइड को बाई कर रही हूँ। तो इसको इस तरह से मिला के ये मियाने वाली सिलाई को लगाएंगे। ऊपर से ये मैं ऊपर नेफे के लिए यहाँ पे जो होल छोड़ती हैं थोड़ा सा, उसके लिए मैं ऊपर से इसको छोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे 1/2 इंच की सिलाई लगाएंगे। पक्का करके शुरू किया था और यहाँ पे भी पक्का करेंगे और इसको करेंगे ओपन। तो ये हैं हमारे फ्रंट साइड के दोनों पार्ट्स। इसको रखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लगाएंगे पॉकेट्स। तो पॉकेट्स के ये जो हमारे पास 4 पीसेस थे, इनमें से भी हम 2 पीस लेंगे और 2 को कर देंगे साइड पे। और ये बैक साइड को भी मैं साइड पे कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से इसकी समझ आ जाए। पॉकेट के इन दोनों पीसेस में से 1 पीस को करेंगे साइड पे और 1 को रखेंगे यहाँ पे। पहले 1 को अटैच करेंगे, फिर करेंगे दूसरे को और यहाँ पे रख के इसको लगाएंगे अब निशान। और यहाँ पे ऊपर से 3 इंच इसको नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और दरमियानी फासला इसका मैंने रखा है 6 इंच। तो इसको यहाँ पे रख के तो इस ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान जहाँ पे 2 निशान लगाए हैं, इन दोनों को पक्का करके शुरू और एंड से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और इसको करेंगे इस तरह से, कट लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से और इसको ओपन करके दूसरी साइड पे घुमा लेंगे इस तरह से। अब इसको प्रेस करके नीट कर लें या वैसे यहाँ पे कर लें और इसको लगाएंगे यहाँ पे सिलाई। अच्छा, यहाँ पे आपको एक और बात बता दूं कि मैंने पॉकेट को थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर रख दिया है, 3 इंच आप पॉकेट को नीचे करिएगा। मेरी यहाँ पे गलती थी, मैं खुद ही बता रही हूँ। तो यहाँ पे सिलाई लगा लेने के बाद अब ये जो पॉकेट का दूसरा पीस था उसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। गुलाई की शेप में इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे और बाद में इसको ओवरलॉक करवा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को पॉकेट के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। लगा लेने के बाद इसको देखें, ये इस तरह से लग चुकी हैं। और इसको ओपन करें तो एक साइड इसकी खुली हुई है और बाकी ये 2 साइडें जो हैं वो बंद हैं। अब इसके ऊपर जो बैक साइड का पीस है वो 1 पीस लेंगे और यहाँ पे साइड वाली सिलाई लगाएंगे इस तरह। ऊपर से इसको शुरू करेंगे। पॉकेट को 1 इंच और नीचे होना चाहिए था, आई थिंक सो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो हमने पॉकेट नीचे वाला पीस है वो सिलाई के अंदर नहीं आना चाहिए, जो पॉकेट के लिए जो पहले सिलाई लगाई थी वो वाला। और ये जो किनारा है यहाँ से, ये बिल्कुल ठीक इसके अंदर आए। और अगर आपको वाइट कपड़े की वजह से ये पॉकेट की समझ नहीं आई तो मैं आपको फिर से पॉकेट लगा के दिखाती हूँ, और वो भी कलर्ड कपड़े में और ऑपोजिट कलर्स होंगे ये सिलाई लगा लेने के बाद। इस तरह से ये 5 तक हम पूरी सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच हमने कपड़ा यहाँ पे छोड़ा था, तो 1/2 इंच ही यहाँ पे सिलाई लगेगी। तो ये देखें, इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ये पॉकेट यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे नेफे को बनाएंगे और इसके पहले हम दूसरी साइड की पॉकेट लगाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने दूसरी साइड की भी पॉकेट लगा ली है और इसके बाद ये जो बैक साइड की जो मियानी वाली सिलाई है इसको लगाएंगे। अच्छा, इसको लगाने से पहले
ये सिलाई इस तरह से यहाँ पे लगेगी और इसको करती हूँ मैं यहाँ पे साइड पे। और आपको बताती हूँ यहाँ पे मैंने ये हमारी जो बेस है पजामे की वो थोड़ी सी शेप करके सलवार की मैंने इस पर रखा है, और ये जैसे कि हमने कटिंग की थी पॉकेट्स की सेम वैसे ही शेप में मैंने कटिंग की है। तो अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। मकसद सिर्फ ये है कि आपको पॉकेट लगाने का तरीका डिटेल से बताया जाए। वाइट में मेरे ख्याल समझ नहीं आई थी सही से, तो इसलिए मैंने ये किया ऐसे किया। ऊपर से हम नेफे को तैयार नेफे में 3 इंच नीचे करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे अंदाज़न ही मैंने यहाँ पे 5 इंच तकरीबन इसका जो ओपन रखेंगे जो चीज़ उस पर मैंने निशान लगाया है, और ऊपर वाले निशान से शुरू करके नीचे तक हम इसको पक्का करके सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पे अब कट लगाएंगे, ये देखिए यहाँ पे इस तरह और दूसरी साइड पे भी इस तरह से, और इसको घुमा के और इसको खोल के इस तरह से अब यहाँ पे लगाएंगे सिलाई। यहाँ पे इसको प्रेस भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। ये हो चुकी है हमारी सिलाई, ये देखें इतना हमने पॉकेट के लिए खुला छोड़ना था तो वो हो गया। अब पॉकेट का दूसरा पीस इसके ऊपर रखेंगे, और इसको जैसे पहले हमने गुलाई की शेप में स्टाइल लगाई थी सेम वैसे ही गुलाई की शेप में स्टाइल लगा लेंगे। इस तरह से और नीचे से भी इस तरह से। अब इसकी एक साइड खुली जो रह गई है तो वो बंद होगी जब हम इस पर दूसरी साइड ये वाली लगाएंगे। इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह और इसको अब लगाएंगे सिलाई ऊपर से यहाँ से शुरू करके। अब यहाँ पे ये चीज़ देखें जो हमने यहाँ पे ये जो कट नज़र आ रहा है इसको यहाँ पे बिल्कुल 7 सिलाई है। यहाँ पे आप निशान भी लगा सकते हैं या वैसे भी लगा सकते हैं सिलाई। तो पॉकेट की ये जो लाइन है ये सिलाई में नहीं आनी चाहिए, इसको पीछे कर लें वैसे अगर आपसे सिलाई में नहीं हो रहा तो इस तरह हाथ रख के अंदाज़ा करके नीचे से, तो नीचे से भी बिल्कुल किनारे पे यहाँ पे सिलाई आनी चाहिए। यहाँ पे पक्का भी कर सकते हैं, यहाँ पे हाथ बार बार अंदर बाहर जब जाता है तो मे भी फटने का थोड़ा सा इशू हो, तो यहाँ पे सिलाई आप पक्की कर लें। तो इसको ओपन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे पॉकेट इस तरह से तैयार हो चुकी है। आई होप अब आपको पॉकेट लगाने का बिल्कुल ठीक से अच्छे से इसकी समझ आ गई हो, और अगर आ गई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं उसी अपने पैजामे पे। तो यहाँ पे हमने लगानी थी म्यानी की सिलाई, तो अब लगाते हैं इस सिलाई को बराबर करके कपड़ों को। तो खैसना किसी कपड़े को भी नहीं है, और इस तरह से इसको सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद अब हम बनाएंगे इसका नेफा। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा ज़्यादा रखा था, और यहाँ पे जो खोल बनाना है इसके लिए पहले इसको फोल्ड करके तो यहाँ पे सिलाई लगेगी। 1.5 इंच मैंने कपड़ा ज़्यादा रखा था और 1.5 इंच ही इसको फोल्ड करके मैं यहाँ पे ऊपर नेफा बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच जो ज़्यादा रखा था उसमें 1/2 इंच हम करेंगे इसके अंदर और 1 इंच ऊपर तैयार होएगा। तो इस तरह से शुरू करेंगे इसको पक्का करके और गोलाई के शेप में दूसरी साइड पे आके ख़त्म करेंगे। तो ये हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। तो इसके बाद आ जाते हैं हम इसके पांचों पे। तो यहाँ पे मैंने जितना कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे सिलाई। यहाँ पे एक ही सिलाई लगेगी, इस तरह से इसको फोल्ड करके तो एक ही सिलाई में इसको नीट करके बना लेंगे। इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पे नाली की सिलाई। तो नीचे हमने 7 इंच रखा था,
हाफ इंच एक साइड पे चला गया है, हाफ इंच एक साइड के लिए रह गया है। तो हाफ इंच की ही सिलाई शुरू करके दरमियान तक ख़त्म करके फिर दूसरी साइड से शुरू करके दरमियान में ख़त्म करेंगे, सेम जैसे हम नाली की सिलाई लगाते हैं। तो इसी के साथ हमारी कटिंग और स्टिचिंग हो चुकी है कम्प्लीट। अगर आपको समझ आ गई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।